सर्व व्यापक सचिदानंद परमात्मा हमें नवीनता प्रदान करें, नव उमंग नव उल्लास दें, नव संकल्प जगा दें। जब प्राण आवश्यक उपयोग के बाद संचरित होता है तो संयत होता है तो व्यक्ति प्राणवान बनता है, ओजस्वी बनता है। यही प्राण विचारों को तेजस्वी बनाता है। इसका आधार इंद्रिय संयम होता है। यदि आहार बहुत स्वादिष्ट लग रहा है तो इसका संयमित होकर उपयोग करना चाहिए। जीवन के अन्य भोगों के संदर्भ में भी सतह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका सम्यक उपयोग करना चाहिए। सुख साधनों से सजग सावधान रहने की आवश्यकता है, जो हमारे बुद्धि को भ्रमित करते हैं और घातक आकर्षण बनकर हमारे प्राण जीवनी शक्ति एकाग्रता एवं भावनात्मक से संतुलन को टमाटोल कर हमें निश्चेत और संतप्त करते हैं। यदि हम अपने स्वामी आप हैं तो हमारा अधिकार है कि हम इन आकर्षणों में न फंसें। हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने समझदार हैं, हम अपने प्रति कितने जिम्मेदार हैं एवं वास्तव में कितने बहादुर हैं, इसकी परीक्षा हर प्रॉब्लम का सामना होते ही शुरू हो जाती है। अब इन सब के बीच हम निकलते हैं, यह हमारी साधनात्मक तैयारी पर निर्भर करता है। यदि हम विजयी होकर इस संघर्ष के पार निकलते हैं तो एक नए विश्वास के साथ जीवन में एक नूतन लय, नए रंग एवं नव जीवन संगीत का संचार होता है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भावना का मंदिर, भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमंता द्वारा अपने आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों से बचाए रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को बचाए रखेंगे। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। इस अनुशासन को अपने जीवन में धारण कर समित जीवन जीने में जिएंगे। मैं प्रभु के ध्यान में निरंतर खोई रहूं। प्रभु का परम सुंदर युक्त प्यार हम पर हर पल बरसता रहे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो हमें हर पल प्रभु का कृपा मिल रहा है। आपको धन्यवाद। सबका मंगल हो। ओम आनंद।